नवाब साहब। कभी कभी हमने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया जितना हम आज कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा हमारी दिलावेश को कौन अगवा कर सकता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा। नवाब साहब, हमें ये बात आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। कुछ अरसे पहले से दिलावेज बिटिया तमन्ना से मिल रही थी। वो तमन्ना बिटिया को सिकंदर मियां के खिलाफ वरगला भी रही थी। हमने बहुत मना किया आप तमन्ना से ना मिले दिलावेज ना मिले, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमें यकीन है ये तमन्ना ने किया है। औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हम माजरत चाहते हैं, बता देना चाहिए था आपको, लेकिन हमने सोचा आपको पता होगी, क्योंकि काशान मियां को तो पता थी। काशान को कभी काशान ने तो हमें कुछ नहीं बताया। इतना कुछ होता रहा और हम लायल रहे। हम माजरत चाहते, खुदा रहा कुछ कीजिए, हमारे दिलावेज बेटियों को ढूंढ दीजिए कहीं से। कभी क्या बात छुपाई आपने हमसे? वही बात जो आप सब लोगों ने हमसे छुपाई। हमारी खाला जिंदा है, हमारा ननिहाल भी है, तमन्ना बेगम। हम मिल भी चुके हैं उनसे। हमने कितनी बार आपसे पूछा कि हमारी मां की कब्र कहां है? मगर आपके पास कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे, कोई उनके जनाजे तक पर नहीं गया था। बाबा जान उनको छोड़कर आ गए थे और इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली।